हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग करेंगे प्रीवियस क्वेश्चंस के पार्ट नंबर 5। और जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में पार्ट 1 से लेकर 4 तक क्लियर कर चुके हैं, तो जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको जाके जल्दी से क्लियर कर लीजिए। आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही लिंक पर क्लिक कीजिएगा, मैथ, साइंस, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स सब चीज़ का प्लेलिस्ट आ जाएगा। उसे जाके जरूर देखना है, क्योंकि जो बच्चे सोचते हैं कि इस बार मुझे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है या फिर सिलेक्शन लेना है, तो जाके पढ़िए, आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। और जैसे कि इंस्टाग्राम पे एक छोटा सा नोट्स दिया जा रहा है, उसे जाके ले लीजिए, क्योंकि वहाँ से भी 7 से 8 नंबर आपके एग्ज़ाम्स के लिए फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक को। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसका नारा है। तो राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस का ये नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, आर्य समाज का गठन कहाँ पर हुआ। राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि किस कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च किया था। चलिए उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि अग्गा खान कप किस खेल से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा हॉकी खेल से संबंधित है। चलिए उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि शुक्र किन दो ग्रहों के बीच है। तो राइट आंसर हो जाएगा बुध और पृथ्वी के बीच है शुक्र, ठीक है। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार आने का 100% चांसेज है। चलिए उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में उपस्थित जल तापमान वृद्धि के साथ क्या होता है, बढ़ता है। इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है, फिर से पढ़िए, वायुमंडल में उपस्थित जल तापमान वृद्धि के साथ बढ़ता है। चलिए उसके बाद देखिए, वेस्ट इंडीज़ की खोज किसने की। तो राइट आंसर हो जाएगा कोलंबस ने की थी वेस्ट इंडीज़ की खोज। चलिए उसके बाद देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य प्राणी दिवस। जितने भी दिवस से सवाल है रट लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 नंबर का सवाल आपके AMR के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा चीन, ठीक है। और इस फिगर में देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा जो ब्लैक दिख रहा है ना, ये चीन का है, उसके बाद भारत का, उसके बाद यहाँ पे केन्या, श्रीलंका, तुर्की। यहाँ पे मैंने सोचा कि चलिए इसको ऐड कर देते हैं, आप देख लीजिएगा, आपको अगर कन्फ्यूज़न रहता होगा तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है। देखिए, चीन हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लैक दिख रहा है ना, यहाँ पर ब्लैक जो चीन का ही दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए जो कलर दे रहा है चीन, उसके बाद इंडिया, केन्या, श्रीलंका, तुर्की, ये सब अलग अलग करके हर देश का दिया गया, आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि थीन बांध, जिसे रणजीत सागर बांध भी कहते हैं, किस नदी पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी पर है थीन बांध, जिसे रणजीत सागर बांध भी कहते हैं, किस नदी पर है भैया, रावी नदी पर है। चलिए उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा था। तो राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य ने लिखा था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कौन बढ़ा सकता है, ठीक है, कौन बढ़ा सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, राष्ट्रपति बढ़ा सकता है। चलिए उसके बाद देखिए, दो आब शब्द से आप क्या समझते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दो भिन्न नदी व्यवस्था के बीच की भूमि, इसका मतलब यही होता है, दो मतलब क्या, दो भिन्न, ठीक है। आब का मतलब ये होगा कि नदी व्यवस्था के बीच की भूमि। चलिए उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि कथकली नृत्य भारत के किस राज्य से जुड़ा है। तो राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य से जुड़ा है। जितने भी नृत्य से सवाल है उसको देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा आई बटन में, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो को देखने के बाद आप देखिएगा, क्योंकि मान लीजिए अगर यहाँ से देखते हैं तो फिर नीचे का सवाल फिर ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। देखिए, इस टाइप के ही सवाल AMR में आता है, ज़्यादा हार्ड नहीं आता। अगर आप सोच रहे होंगे ना कि इससे हार्ड आएगा या फिर इससे लो आएगा, ऐसा कुछ चीज़ नहीं होता, हार्ड तो आएगा नहीं, बिल्कुल ये कंफर्म है। क्योंकि आप भी सोचते हैं यार, 10th लेवल का, अगर मान लीजिए कि अगर जो बच्चा, आप सोचिए अपने दिमाग से कि अगर जो बच्चा 10th पास कर लिए, सपोज दैट फॉर्म भर दिया,
तो उससे अगर 12th का अगर सवाल जवाब किया जाए तो आएगा उसको, 11th का अगर किया जाए तो आएगा। हाँ ये बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा 10th+2 से यानी कि 11th तक पूछा जा सकता है खींच खाँच के, ये होता है। ऐसा नहीं होता कि बच्चे का 10th लेवल का ही अगर पढ़ने का ज्ञान है, पूछो उसे 12th लेवल का तो आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो आप भी समझ सकते हैं कि सवाल वैसे ही किया जाएगा कि झंडे में कितने रंग होते हैं, उसमें कितनी तिल्लियाँ होती है, झंडे का ये सब, झंडे राष्ट्रीय गीत किसने गाए, तो इस टाइप का ही सवाल आता है। अगर इससे हार्ड अगर ज़्यादा आया ना तो आप मुझसे बोलिएगा कि सर आपने जो बोला था बहुत गलत बात बोला था, ठीक है। चलिए आप भी सोच सकते हैं अपने माइंड से कि 10th लेवल का बच्चा अगर 12th लेवल का एग्ज़ाम दे सकता है, उसको डबल में बैठाया जा सकता है, कुछ कर पाएगा वो? कुछ नहीं कर पाएगा, आप भी समझ सकते हैं। चलिए आगे देखिए, चीन का प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान हेवन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। आपने तो पढ़ा होगा हिस्ट्री के पार्ट नंबर 8-9 में पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री का मैंने एक एक करके आपको क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट करवा दिए हैं, आपको मिल जाएगा आई ही बटन में। चलिए आगे देखिए, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा लियोन यानी फ्रांस में स्थित है, ठीक है। देखिए कहीं कहीं दिया गया है नेपाल शायद दे रहा था कि ऐसे कुछ करके दे रहा था, लेकिन वो गलत आंसर है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लियोन यानी फ्रांस में स्थित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। जितने भी मुख्यालय है ना देख लीजिएगा, यहाँ से भी एक नंबर का सवाल जरूर आएगा। चलिए आगे देखिए, सारिस्का अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में स्थित है। चलिए उसके बाद देखिए, कर्क रेखा निम्न में से किस प्रांत से नहीं गुजरती? तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा से नहीं गुजरती कर्क रेखा। देखिए जितने भी कर्क रेखा से अगर इम्पोर्टेंट थोड़ा भी बहुत सवाल है ना, उसको देख लीजिएगा गूगल पर सर्च करके, और वैसे तो मैंने करवा चुके हैं आपको बहुत पहले ही, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का सरकारी निवास है 10 डाउन स्ट्रीट, याद रखिएगा, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का सरकारी निवास है 10 डाउन स्ट्रीट। चलिए आगे देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष, ठीक है, याद रखिएगा। जितने भी अगर पॉलिटिक्स से थोड़ा बहुत सवाल बनते हैं उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी आता है सवाल। आगे देखिए, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है भैया? ठीक है, कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा हीरा। देखिए इसमें GK+ साइंस दोनों है, ठीक। चलिए आगे देखिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है अवतल लेंस, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस, फ्यूज तार के लिए कौन सा कथन है भैया? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध कम तथा गलनांक कम, ठीक है, याद रखिएगा। फ्यूज तार के लिए कौन सा कथन है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध कम तथा गलनांक कम, ठीक। देखिए यहाँ पे ऑप्शन तो होंगे ना एग्जाम में, तो ऑप्शन होंगे, लेकिन बच्चे कमेंट नहीं किए तो मैं तो वैसे ही इतना नोट कर दिया, बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि एक एक क्वेश्चंस का नोट करना, सुधारना, उसको टाइप करना बहुत ही बड़ी मुश्किल है। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि बच्चा तो कोई शुद्ध रूप से अगर आंसर तो उसका क्वेश्चंस तो भेजेगा नहीं। मान लीजिए कि यही सवाल है, प्रेशर कुकर खाना पकाने का समय घटता है क्योंकि, तो मैंने तो इसमें भी कुछ ऐड किया है ना, इसमें भी कुछ अक्षर कुछ शब्द ऐड करके तब शुद्ध रूप से प्रश्न को बनाए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा जल का क्वथनांक भीतर बढ़ जाता है, बढ़ता है ना, जब ये कुकर होता है ना, कुकर अगर आप देखिएगा उसको खोलिएगा तो भाप जैसा निकलता है, और भाप जो उसके ऊपर जो रहता है ना, ऊपर जो खोलते हैं ढक्कन उसके ऊपर देखिएगा कितना, मतलब कि भाप जैसा पसीना जैसा रहता है ना, पानी जैसा, तो वही होता है, जल का क्वथनांक भीतर बढ़ जाता है। चलिए आगे देखिए, थोड़ा सा सर्दी हो गया है, सर्दी खांसी और बुखार तीनों हो गया है, बिना उपग्रह वाले ग्रह है? तो राइट आंसर हो जाएगा बुध व शुक्र है, ठीक। चलिए आगे देखिए, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बेकुरल, ठीक, बेकुलर, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बेकुरल। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि पीतल यानी ब्रांज किन धातुओं के मिश्रण से बना होता है? राइट आंसर हो जाएगा तांबा व जस्ता, याद रखिएगा, इस टाइप के सवाल एक नंबर का आता है। जितने भी इस टाइप के सवाल होंगे कि कौन कौन से मिश्रण से क्या चीज़ बनते हैं उसको देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक नंबर का सवाल आ सकते हैं, बिल्कुल आएगा, क्योंकि जब पिछली बार अगर मान लीजिए, हाँ ये बोल सकता हूँ कि आपका शिफ्ट नहीं आए, किसी और का शिफ्ट में आ जाए तो देख लेना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कैथोड किरणों पर आवेश होता है ऋणात्मक होता है, ठीक है, कैथोड किरणों पर जो आवेश होता है ऋणात्मक होता है। चलिए आगे देखिए, जल H2O होगा यहाँ पे, ठीक है, H2O यहाँ पे कोमा दिए गए, जल H2O के अणु में परमाणु किस बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा उपसह
उप संयोजी बंध, ठीक है, राइट आंसर देखो उप संयोजी बंध। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीटेड होता है सवाल जड़त्व का नियम पर, ठीक है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है जड़त्व का नियम। चलिए आगे देखिए, ये सवाल पूछा गया था मैथ का, 4 और 8 का तृतीय अनुपात है तो इसका हो जाएगा 16, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है, अगर आपको शायद देखिए इसका हम जितने भी है ना प्रीवियस का मैथ उसको हम कल बता देंगे या फिर आज ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि बुखार में तो वीडियो बनाना पसंद नहीं करता मैं, लेकिन नज़दीक है इसलिए मैं खींच रहा हूँ कैसे कैसे, आप समझ सकते हैं। चलिए आगे देखिए, विद्युत शक्ति का मात्रक है, विद्युत शक्ति का मात्रक जो होता है वाट होता है, ठीक है। तो ये रहा आज का इतना सवाल। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट अगर बना होगा कि सर इस आपने इसको गलती बता दिया तो उसके लिए सॉरी, और बोलिएगा ज़रूर, उसको मैं पिन कर दूंगा, क्योंकि देखिए हर इंसान से थोड़ा बहुत गलती हो सकता है। और देखिए मैंने आप सब चीज़ प्रश्न को मतलब कि गूगल पे सर्च करके आपको बताता हूँ, कहीं कहीं गूगल पे भी यार गलती दिया रहता है, ये तो आपको भी मानना चाहिए कि गूगल वाले ऐसा थोड़ी ना होता है, गूगल तो भी हम भी अपना वेबसाइट बना के उस पर डाल सकते हैं गलत आंसर, तो ये हो सकता है, ठीक है। तो गूगल पे भी थोड़ा बहुत गलती आंसर मिल जाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप अपने अंदर इम्प्रूव कर लीजिएगा कि सर यहाँ पे आपसे गलती हो गया, कोई बात नहीं हम इम्प्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो मैं भी खुश रहूँगा यार, क्योंकि बच्चे कमेंट कर देते हैं कि इसको पढ़ाने नहीं आती है, चलो कोई बात नहीं, मैं तो उतने के लिए है हूँ अकेले। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस चार्ट को ध्यान में रख लीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे भी पूछा जा सकते हैं कि दूसरे स्थान पे कौन है, तो आ जाएगा भारत, पहले पे हो जाएगा चीन, ठीक। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।